उन्नीस बातरी मजल आपके से न्यूज स्कैन और श्रीमती जाना से देवबारे बियलि दिसपुर थाना सोधा पोसा कर धरणी डेकार ज्येष्ठ पुत्रक मृत हेमधर बरवार धरणी डेकार पुत्र विरुदे अभियोग आंगुल तलार पीछते आरक्ष इतिम्य सोधा पोसा कर धरणी डेकार पुत्र कितना सोधा पोसार पीछे जाने दिया जद आज पुनर्बार थाना मता धरणी पुत्रक और आगत पितर भाष्यक प्रदान कर जो कल पुत्रको मता खुदपुस करें घटनार विषय तखे तो निजर देवतक भार्सनटे कई आर मार मानने जी जन घर मालिक आखेर आचरण भल ना गति के खते देवत मानने तखेक एसल्ट करे और तार फलत मृत्यु गति के पुतेको बापेक मानने भार्सनटे कई आर बाहर इतना बेलेग एक कथ बेलेग क्या ना और आसे आज तक आको माता सोधपोस करें तो आज सोधपोस कर देखा जाए जो नतुन एंगल क्या ऊल्खे जो है एकॉर्डिंगली आम लीगल नेसेसरी एक्शन जीखी आसमें प्रोसीड कर और एक भाष्य पितृ भाष्य प्रदान कर धरणी डेकार ज्येष्ठ पुत्रयो जीतु समय जी हत्या संघटित समय धरणी डेकार पुत्र ना कि पुत्रक आसल पुत्र पुत्र विरुदे आंगुली हेमधर बरवार पर लोक आनी धरणी डेकाय आसलते निजर पुत्रक बचाबले पत्न समग्र दुख गात पाती लैसे आम यह मुहूर्त आम सांबा भास्कर हजरीका का गई समग्र घटना सन्दर्भ शेहतिया खबर जानवे भास्कर आम आपनारे और देवबार वियलि जीत धरणी डेकार पुत्रक सोधा पोसा कर क्या नतुन तथ्य पोहर आहिसे निकी मुहूर्त आम आपनारा जानव विचार हत्याकांड और क्या नतुन नतुन तथ्य पोहर अहार कथ सर इतिम्य आम डि सी पी गी भाष्य संग्रह करूँ एक्सक्लुसिवली बैत संबद माध्यम पाठ आम निजित नगर भाष्य प्रदान करें हेमधर बरुआ हत्याकांड आसलते जीतु हेमधर बरुआर पर अभियोग आनी धरणी डेकार पुत्र नाम जीतु सांग पाई गति के क्षेत्र जो कल दिन हेमधर बरुआर हत्याकांड अभियोग जी ग्रेप्तार हुआ धरणी डेकार जी ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठ पुत्रक थाना तलब कराई सोधा पोसा कर और सोधा पोसा समय बारम्बार आसलते पितृ माए जीधरण भाष्य प्रदान कर भाष्य प्रदान करें धरणी डेकार पुत्र पुत्र एट कथा कैसे किसुदिन मातर ऊपर आसलते शारीरिक निर्तन चेस्ा चलते हेमधर बरुआई और जार बे पितए दारे घपिया हत्या कर हेमधर बरुआ और तार पाते निशार भगत जब दिए और आज पुनः थाना दिसपुर थाना तलब कराई धरणी डेकार ज्येष्ठ पुत्रक पुनर्बार सोधा पोसा कर जो कल दिन एक भाष्य प्रदान करते पितृ माए जी ग्रेप्तार हुआ दिनों पर जीत आत्मसमर्पण निजे तार पास जीधर भाष्य प्रदान करते भाष्य प्रदान करते कारण इतिम्य धरणी डेकाय स्पष्ट कथा जो मैं एशबार कम मैं हत्या कर केवल मोर पत्न आसलते अशालीन इंगित दी शारीक निर्तन चेस्ा चलती और सै मैं प्रतिज्ञा लैसो और सही प्रतिशोध पूरण हत्या करूँ जीतु मृत हेमधर बरुआ पर अभियोग आंगुली तुलाई से यह हत्याकांड धरणी डेकाय करा ना यह हत्याकांड धरणी डेकार ज्येष्ठ पुत्र कारण ज्येष्ठ पुत्र ड्रग्स आसक्त किसुदिन पूर्वे पुत्र धरणी डेकार ज्येष्ठ पुत्र निशा सुरापान आसलते बबी कर घर चौहर तार पाते घर खाली कर दिया और सैते शुभते आसलते पुत्र हत्या कर हेमधर बरुआक और तार पाते धरणी डेकाय पुत्रक बचा और पत्न निजर ऊपर दायित्व निजर ऊपर हत्याकांड दायित्व मूर पाती ला कैसे गति के भितते जो कल अर्थात देवबारे ज्येष्ठ पुत्रक तलब कराई इतना सोधा पोसा कर मैं इतिम्य कैसो डि सी पी गी भाष्य प्रदान करते एक भाष्य प्रदान कर पितृ माए जीधरण भाष्य प्रदान करते एक भाष्य आसने ज्येष्ठ पुत्र गति के जो कल जब आज पुनः मता तार मजदूर जी दिन आरक्षी जिम्मा आसे हेमधर धरणी डेकार पत्न गति के आज वियलि आदालत हाजिर कर हम तार पूर्वे कि किसान पाचते हम पुत्र उपस्थित हम पुनर्बार सोधा पोसा कर गति के परवर्त समय देखी गोटे घटनार सविशेष जी आपडेट सी आम जानवे चेस्ा कर जानवे पारिम जी किसान पाते पुत्र उपस्थित हर पाते किधर भाष्य प्रदान कर आज जिला किधर तथ्य ऊल्स पीछे जानवे पारिम निश्चय भास्कर धन्यवाद जानसो अपना और
কেনেধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ পায় সেয়া আৰক্ষী জেৰাখে নিজক প্ৰাৰম্ভিক সময়ত আমি জানিবলৈ সক্ষম হ'ম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ভাস্কৰে জনাইছে যে পিতৃয়ে যি ভাষ্য অৰ্থাৎ ধৰণী ডেকা যেনেধৰণে ভাষ্য আগবঢ়াইছিলে আৰক্ষীৰ আগত এনেধৰণৰ অনুৰূপ ভাষ্য আগবঢ়াইছে ইতিমধ্যে ধৰণী ডেকাৰ পুত্ৰই যে পিতৃয়ে আচলতে মাতৃক অশালীন আচৰণ কৰাৰ বাবে হিমন্ত বৰাক এনেদৰে নিঃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ড পূৰ্বতে যিহেতু ধৰণী ডেকাৰ পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আঙুলি উঠিছিল এতিয়া কিন্তু আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত হয়তো আৰু অধিক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। জেৰাৰ বাবে আজিও ধৰণী ডেকাৰ পুত্ৰক মতা হৈছে থানালৈ। ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ছে কংগ্রেস নেতা নবজিৎ সিং সিদ্ধু। পাটিয়ালার রাজেন্দ্র হাসপাতালত চিকিৎসাধীন সিদ্ধু। 20 মে'ত পাটিয়ালা কেন্দ্রীয় কারাগারে গৈছিল সিদ্ধু। এস সিয়ে এবছর কারাদণ্ড দিছে কংগ্রেস নেতাগৰাকীক। 1985 চনের রোড রেজ গোচরত অভিযুক্ত নবজিৎ সিং সিদ্ধু কিন্তু বর্তমানে অসুস্থ হয়ে পড়ছে আর অসুস্থ হয়ে পড়ার বাবে ইতিমধ্যে পাটিয়ালার রাজেন্দ্র হাসপাতালত চিকিৎসাধীন করা হয়েছে। 20 মে'ত পাটিয়ালা কেন্দ্রীয় সরকার কারাগারে গৈছিল সিদ্ধু। এস সিয়ে এবছর কারাদণ্ড বিহিছিল। 1985 চনের এটি পুরোনা কেস য'ত ৰোড ৰেজ গোচৰত অভিযুক্ত হৈ অভিযুক্ত নবজিৎ সিং সিদ্ধু গৈছিল কাৰাগাৰলৈ আৰু বৰ্তমান অসুস্থ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। ভাৰত আৰু যুক্তৰাজ্যৰ ধাৰণাক নচ্ছাদ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যদি ভাৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰ হয় তেন্তে ভাৰতৰ 5000 বছৰ পুৰণি সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কোনো অৰ্থই নাথাকিব। যদি ৰাজ্যসমূহ চুক্তিৰ দ্বাৰাই ভাৰতৰ অংগ হৈছিল তেন্তে সেই চুক্তি ভংগ কৰিব পাৰি আৰু সেয়ে ইউনিয়ন অফ ষ্টেটছৰ ধাৰণাটো বিচ্ছিন্নতাবাদীৰ ধাৰণা বুলি ৰাহুল গান্ধী কথা কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কাল ভি মেনে দেখা কি ভাৰত এক ইউনিয়ন অফ ষ্টেট তো মেৰা 5000 সাল কা সংস্কৃতি কহা গিয়া। अगर भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है दैट मीन्स यू आर डिस्प्यूटिंग एवरीथिंग इंडिया हैज। अगर भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट ही था तो गोपीनाथ बरदलोई जी को क्या आपत्ति था कि मुझको पाकिस्तान दिया गया था, मैं पाकिस्तान में ही चला जाता था। लेकिन असम का लोगों ने लड़ा कि मुझको पाकिस्तान नहीं जाना है, हमको भारत में रहना है, इसलिए भारत मेरा आत्मा है। अगर बोलते नहीं नहीं ये एक एग्रीमेंट कर दिया। अभी राहुल गांधी ऐसा समझा रहा है लोगों को जैसे आपका और मेरा बीच में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था। भाई स्वाधीनता का पहले जब गांधी जी को सारा देशवासी ने अपना लीडर समझा तो अब क्या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट हुआ था क्या गांधी जी का साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नाम हुआ, भारतीय जातीय कांग्रेस हुआ, हर जगह में आपका कॉन्फ्रेंस हुआ, तब क्या कोई यूनियन ऑफ स्टेट का कोई एग्रीमेंट हुआ था क्या? तो ये राहुल गांधी का अभी पता नहीं और कौन एडवाइजर अभी सामने लगा है तो कंट्री को तोड़ने का ये यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या है? बोला आपने निगोशिएट किया भारत में आने में, मतलब अगर आप निगोशिएट किया तो यू कैन डी निगोशिएट ऑल्सो टू गो बैक। मतलब इनडायरेक्टली ही इज एनकरेजिंग ए सेसेशनिस्ट एलिमेंट। 5000 साल रामायण महाभारत कौटिल्य चाणक्य चंद्रगुप्त लासित बरफुकन शिवाजी ये कहां गया ये सारे सब? बट मैं उनको दोष नहीं दूंगा, कोई जेएनयू एनयू का कोई ट्यूशन लगाया गया शायद वही उनको सिखा दिया। इसलिए उनको अगर लाके आप बोल पूछ पास करता है कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, भाई अमेरिका का फेडरलिज्म और इंडिया का फेडरलिज्म का देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। इंडिया वाज कल्चरली वन नेशन फ्रॉम वेरी वेरी बिगिनिंग। कोई समय में असम का कामरूप स्टेट ही अयोध्या तक था। तो हमारा ये हमारा हिस्ट्री इज अ शेयर्ड हिस्ट्री। आप दक्षिणात्य का भी एक लोगों का नाम कृष्ण होता है, असम का लोगों का भी एक नाम कृष्ण होता है, राम सब जगह होता है। तो आप ऐसे कोई आके एग्रीमेंट करके भारत को यूनियन ऑफ स्टेट बना दिया, वो नहीं होता है। लेकिन उनका मजबूरी है, उनको जो सिखाएगा वही वो बोलेगा, टोटे और उससे ज्यादा क्या बोल सकता है। আৰু আন এক প্ৰসংগত ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। মাদ্ৰাছা শব্দটোৱেই থাকিব নালাগে। মাদ্ৰাছা শব্দটো মগজুত সোমাই থাকিলে কেতিয়াও ল'ৰা ছোৱালী ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নোৱাৰে। মাদ্ৰাছালৈ শিশুক পঠিওৱা মানে শিশুৰ অধিকাৰ উলংঘন কৰা। ঘৰত যিমানেই ধৰ্মীয় শিক্ষা দিয়ে দিয়ক, কিন্তু বিদ্যালয়ত সাধাৰণ শিক্ষাই দিব লাগে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। মাদ্ৰাছা শব্দটো বিলুপ্ত হৈ যোৱা চাই। जब तक ये मद्रासा दिमाग में घूमते रहेगा तब तक बच्चा को भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है। अगर बच्चा को आप स्कूल में जाने का समय आप पूछ लेता है कि बेटा तुम मद्रासा जा रहा है, तुम जुनाब बनेगा इस रास्ते से, तुम डॉक्टर नहीं बनेगा, तो कोई बच्चा मद्रासा नहीं जाएगा। मद्रासा में तो दाखिल किया जाता है वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स, किसलिए वो रास्ता बंद हो जाता है।
तो आप जरूर कुरान पढ़ाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा पढ़ाइए साइंस, मैथ्स, बायोलॉजी, बोटानी, जियोलॉजी। तो इसीलिए मद्रासा सब विलुप्त हो जाना चाहिए। और न्यूज़ के नमस्कार। साधारण स्टील।